हाय दोस्तों, टी4 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप अपने एटीएम कार्ड से या फिर आप अपना डेबिट कार्ड जिसे बोलते हैं या फिर एटीएम कार्ड, उससे आप शॉपिंग कैसे कर सकते हैं क्लब फैक्ट्री में। यानी कि क्लब फैक्ट्री में आप अपने एटीएम कार्ड से आप शॉपिंग कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट करने के साथ। इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन जरूर दबेगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे आसान तरीके के साथ सीखते हैं कि कैसे हम एटीएम कार्ड से शॉपिंग कर सकते हैं क्लब फैक्ट्री में। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्लब फैक्ट्री एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। उसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना क्लब फैक्ट्री एप्लीकेशन ओपन करना है। इसमें आपको सबसे पहले, अगर फर्स्ट टाइम आप यूज़ कर रहे होंगे तो इसमें अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे अकाउंट के सेक्शन के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे अकाउंट बना सकते हैं फर्स्ट टाइम। तो आपको यहाँ पे नेट ऑन कर लीजिएगा। उसके बाद आप सबसे पहले अकाउंट बनाने का वीडियोस देख लीजिएगा इस वीडियो के लास्ट में। उसके बाद अगर आपने अकाउंट बना लिया है तो आप बड़े ही आसान तरीके से इसमें शॉपिंग कर सकते हैं। तो इसमें शॉपिंग करने के लिए, अगर आपको जिस भी चीज़ को शॉपिंग करना है, अगर आप यहाँ से कोई चीज़ परचेस करना चाहते हैं जो आपको यहाँ पर आपने सर्च किया है, या फिर आप अलग चीज़ चाहते हैं ख़रीदना, तो आपको क्या करना है, आपको ऊपर में यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है टॉप में यहाँ पे सर्च बार, इसमें जिस भी चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है यानी कि ज़रूरत है, जो भी चीज़ आपको ख़रीदना चाहते हैं या सर्च करना चाहते हैं कि ये चीज़ अवेलेबल है या नहीं क्लब फैक्ट्री में, तो यहाँ पे आपको क्लिक करिए ऊपर में। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे सर्च करना है जिस भी चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मुझे अभी यहाँ पर जस्ट मुझे अभी चाहिए टाइटन का, मैं एक वॉच खरीदूंगा और इसमें आपको एटीएम कार्ड से मैं इसको पेमेंट करूंगा। तो कैसे क्या आता है यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइटन और जो मॉडल नंबर है उसका यहाँ पे 9162। अब इसको हम सर्च करेंगे। इसी तरीके से आप जिस भी प्रोडक्ट चाहिए यहाँ पे आप सर्च कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वॉच जो है यहाँ पे मुझे मिल रहा है, और यहाँ पे 297 रुपीस मुझे पे करना है। तो इसको कैसे पे करेंगे अपने एटीएम कार्ड से, तो जिस भी चीज़ को आपको ख़रीदना है सिंपली आपको उसके ऊपर टच करना है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस भी प्रोडक्ट को आपको ख़रीदना है सिंपली उसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो ये वो मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो सिंपली हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप क्लिक करेगा तो यहाँ पे आपको नीचे आपको ऑप्शन मिलता है बाय नाउ का। तो यहाँ पे जैसे कि आप सारे डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं आपका, यहाँ पे अगर आपने एड्रेस नहीं, पिन कोड चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे पिन कोड डाल के आप चेक कर सकते हैं कि आपके एरिया में ये अवेलेबल है या नहीं। तो चलिए, अब यहाँ पे जो बाय नाउ का ऑप्शन लिखा है इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट काम है, यहाँ पर अगर आप साइज़ सेलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो अगर सिर्फ एक ही साइज़ है तो आप यहाँ पर सिर्फ सेलेक्ट करने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आपको क्वान्टिटी यानी कि कितना पीस आपको चाहिए, अगर आप दो पीस चाहिए तो यहाँ पे जो प्लस का आइकन है यहाँ पे क्लिक करेगा तो दो पीस बन गया, और यहाँ पे माइनस पे क्लिक करेगा तो एक ही बन गया। तो मुझे अभी फिलहाल एक ही खरीदना है, तो एक पे क्लिक करके यहाँ पे जो कंफर्म लिखा है इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेगा, उसके बाद आपको अगर आपने एड्रेस नहीं डाला होगा तो यहाँ पर आपको ऊपर में बोलेगा एड्रेस डालने के लिए, तो यहाँ पर आप अपना नाम डाल दीजिए और यहाँ पर पूरा एड्रेस आपको लिख लेना है। अगर आप चाहते हैं इस एड्रेस को थोड़ा चेंज करना तो यहाँ पर चेंज और एड एड्रेस के ऊपर आपको क्लिक करना है अगर आपने एड्रेस नहीं डाला है तो। उसके बाद अगर आपके पास कोई कूपन कोड है तो यहाँ पे एंटर कूपन कोड भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डेबिट कार्ड से पे करना, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पेमेंट मेथड डेबिट या क्रेडिट कार्ड दो ऑप्शन है, तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे बैलेंस जो मेरे पास है अभी 6 रुपया अमाउंट है जो कि कैश ऑन डिलीवरी अमाउंट, लेकिन अभी मेरे को यहाँ पे मैं डेबिट कार्ड से परचेस करूँगा, तो यहाँ पे डेबिट कार्ड से, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से मैं यहाँ पे परचेस करूँगा, तो यहाँ पे इसको टिक मार्क कर दूँगा और यहाँ पे नीचे जो कंटिन्यू लिखा हुआ है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि आप अपना कार्ड नंबर डालिए, तो यहाँ पे आप अपना डेबिट कार्ड में यानी कि एटीएम कार्ड के ऊपर जो नाम है उसको डालिएगा। उसके बाद आप अपने एटीएम कार्ड का जहाँ पे नंबर रहता है उसके नीचे आपको एक्सपायरी डेट लिखा हुआ रहता है, तो उस एक्सपायरी डेट को आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, और यहाँ पर सिक्योरिटी कोड में यानी कि CVV नंबर यानी कि उसको आपको एटीएम कार्ड के पीछे देखना है और दो 3 डिजिट का रहता है तो उसको आपको यहाँ पर सिक्योरिटी कोड में डाल दीजिएगा, सारे इन्फॉर्मेशन फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे सारी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे पे नाउ के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो चलिए, मैं पे नाउ के ऊपर आप क्लिक, तो जैसे ही दोस्तों आप पे नाउ के ऊपर क्लिक करेगा आपके अकाउंट बैंक अकाउंट में जो नंबर रजिस्टर है उसके ऊपर एक OTP आएगा, वन टाइम पासवर्ड, उसको आपको यहाँ पे डाल लेना है। तो चलिए यहाँ पे OTP डाल लीजिए। तो यहाँ पे जैसे ही दोस्तों आप अपना OTP डालिएगा और यहाँ पे बताया जाएगा कि आपको क्लब फैक्ट्री की तरफ से आपको इतना अमाउंट यहाँ से आपको डेबिट होंगे अकाउंट से, तो यहाँ पे जो सबमिट का नीचे बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है।
जैसे ही आप टॉप सबमिट के ऊपर क्लिक करेगा तो आपको अपना बैंक आपका जो वेरीफाई करेगा और यहाँ से आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे आपको लिख करके आएगा कि आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। तो इस तरीके से आप ATM कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं कलर फैक्ट्री में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो करिएगा लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन जरूर दबाइएगा।